हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पीछे की वीडियोस में हम स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और हमने चार मेथड्स पढ़े थे, एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रोप्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे। एक लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में बच रहा है वो है पॉलीएम्ब्रियोनी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी को। मैं दिनेश शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी मींस, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली हमें एक सिंगल सीड में सिंगल एम्ब्रियो ही मिलता है। जनरली हम जितने भी प्लांट्स देखते हैं उन प्लांट्स में हमें एक सिंगल सीड के अंदर सिंगल एम्ब्रियो ही मिलता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर या कुछ प्लांट जेनेरा जो हैं उनके अंदर हमें यह देखने को मिलेगा कि एक सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो फाउंड होंगे। हमें एक सिंगल सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा नॉर्मली हमें जो सिट्रस फैमिली है उसमें देखने को मिलेगा। तो हम एक्सप्लेन पॉलीएम्ब्रियोनी को इस तरीके से कर सकते हैं कि एक सिंगल सीड के अंदर अगर मोर देन वन एम्ब्रियो हमें फाउंड हो रहे हैं तो हम उसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनी को फर्स्टली जो डिस्कवर करा था या फर्स्टली स्टडीड बाय ए वी ल्यूवेन होक, एंटोनी वॉन ल्यूवेन होक जो थे उन्होंने सबसे पहले पॉलीएम्ब्रियोनी को फाउंड किया था ऑरेंज के सीड्स में। तो पॉलीएम्ब्रियोनी जो है बेसिकली आपको जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उनके अंदर ये करैक्टर आपको नॉर्मली देखने को मिलेगा। बहुत ही आम बात होती है अगर हम जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी को देखते हैं, लेकिन अगर एंजियोस्पर्म में ये मिलता है तो ये एक एबनॉर्मल करैक्टर है। एंजियोस्पर्म में कुछ ही केस में ये देखने को मिलेगा और मेनली आपको ये देखने को मिलेगा सिट्रस फैमिलीज के अंदर या जो अलग अलग टाइप के ऑर्किड्स हैं उनके अंदर आपको पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी। काफी सारे कॉजेस हो सकते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के, काफी सारे रीजंस हो सकते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी के। वन बाय वन हम उन रीजंस को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इन एंजियोस्पर्म, और उसमें सबसे पहला जो कॉज है वो है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज मींस जो जाइगोट है फर्टिलाइजेशन के बाद में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों जो गैमिट्स हैं मेल एंड फीमेल गैमिट्स के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं। तो ये जो जाइगोट है इसमें होने वाले जो डिवीजन हैं इन डिवीजन्स को क्लीवेज टर्म से नॉमिनेट किया जाता है। जाइगोट के अंदर होने वाले जितने भी डिवीजन्स हैं उन डिवीजन्स को क्लीवेज नेम से नॉमिनेट किया जाएगा, या हम जाइगोट को डिवीजन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसको प्रो एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। प्रो एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो से पहले का जो स्ट्रक्चर है या फुल्ली डेवलप एम्ब्रियो से पहले का जो स्ट्रक्चर है उसे हम प्रो एम्ब्रियो कह सकते हैं। तो जाइगोट या प्रो एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन से पॉलीएम्ब्रियोनी हमें शो हो सकती है किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी सीड्स के अंदर। एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, यूलोफिया, ये एक ऑर्किड है। तो यूलोफिया जो ऑर्किड है इसके अंदर
तीन टाइप की क्लीवेज आपको दिखाई दे सकती है, तीन टाइप के क्लीवेज डिवीजन आपको इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। वन बाय वन हम इन डिविजन्स को स्टडी करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्लीवेज है यूलोफिया में, इन यूलोफिया सबसे पहला जो डिवीजन है वो ये होगा कि मान लीजिए ये जाइगोट है इस तरह से, और इस जाइगोट के अंदर इंटरनल डिविजन्स हो रहे हैं, और डिवीजन के बाद में ये एक सेल्स का अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप बन गया, इसे हम बोलेंगे सेल मास। अब इस सेल मास के अंदर जो चलाजल एंड की तरफ जो सेल्स मिल रही हैं, ऐसी सेल्स जो चलाजल एंड की तरफ मिल रही हैं, वो सेल एज ए स्टेम सेल बिहेव करेगी। स्टेम सेल को अगर डिफाइन करें तो स्टेम सेल एक ऐसे सेल है जिनके अंदर टोटिपोटेंसी मिलती है। टोटिपोटेंसी मीन्स एक ऐसा सेल जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है, ऐसी सेल को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। मतलब एक सेल के अंदर मिलने वाली वो कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी से वो सेल पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है, ऐसी सेल को हम टोटिपोटेंट सेल कहेंगे, और मिलने वाली इस कैपेसिटी को हम टोटिपोटेंसी कहेंगे, और ऐसी सेल्स को हम नॉमिनेट करते हैं स्टेम सेल से। दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो टोटिपोटेंट सेल होते हैं और एक प्लूरोपोटेंट सेल होते हैं। तो जो प्लूरोपोटेंट सेल होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो टोटिपोटेंट सेल होते हैं वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो चलाजल एंड की तरफ मिलने वाले जो सेल हैं, मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो था, ये दो हिस्से हैं, दो पोल हैं, ये मान लीजिए चलाजल पोल है और ये मान लीजिए माइक्रो पाइलर पोल है। तो ये जो सेगमेंट है जो चलाजल पोल की तरफ मिल रहा है, इसके अंदर जितने भी सेल्स मिल रहे हैं, जितने भी सेल्स मिल रहे हैं, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये फॉर्मेशन करेंगे एम्ब्रियो का। तो अब इस पार्ट से जो सीड डेवलप होगा, उस सीड के अंदर जितने ये सेल्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे सेल्स जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट कोज तो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर ये हो गया कि यूलोफिया के अंदर तीन कंडीशंस मिलती हैं, उसमें पहली कंडीशन ये है कि एक जाइगोट जो है उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होने के बाद में जो चलाजल एंड की तरफ जो सेल मास मिलता है या चलाजल एंड की तरफ मिलने वाले जो सेल्स हैं वो टोटली सेल्स जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टेज के अंदर चले जाते हैं। तो पहला कोज तो ये हो गया पॉली एम्ब्रियोनी का इन क्लीवेज। सेकेंड की अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रो एम्ब्रियो है या जो हमारा जाइगोट है, इस जाइगोट में मान लीजिए ये जाइगोट है, इस जाइगोट में पर्टिकुलर कुछ कुछ जगह पे सेल्स जो है वो डिवाइड होकर के बड का फॉर्मेशन कर देती हैं, और ये जो बड है ये आगे चल करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन को इनिशिएट करती हैं। तो सेकंड जो टाइप हो गया वो हो गया कि प्रो एम्ब्रियो जो है या जो जाइगोट जो है, उस जाइगोट के अंदर सेल्स जो है वो डिवाइड होकर के बड का फॉर्मेशन करती हैं, और ये बड जो है आगे चल करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन को इनिशिएट करेगी। अगर हम बात करें थर्ड की, या हम यूं कह दें कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन से
एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम बड बोल रहे हैं, और ये बड जो है आगे चल करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन को इनिशिएट कर रही है। थर्ड अगर कंडीशन की बात करें, तो जो हमारा प्रो एम्ब्रियो या जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर सेल के डिवीजन की वजह से इस तरह से सेल्स के अंदर कुछ ब्रांचिंग लाइक, कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट के अंदर कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और फेवरेबल कंडीशन में ये सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं ये एक अलग एम्ब्रियो को डेवलप करेंगी। तो क्लीवेज जो पॉली एम्ब्रियोनी है, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर हमें तीन कंडीशन मिलते हैं क्लीवेज के यूनोफिया ऑर्किड में। फर्स्ट वन तो हमने डिस्कस करा था कि जो हमारा प्रो एम्ब्रियो है, जो हमारा प्रो एम्ब्रियो है, उस प्रो एम्ब्रियो में, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होते हैं। उन डिविजन्स की वजह से बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और जो चलाजर एंड की तरफ जो सेल्स मिलेंगे, ये सारे के सारे सेल जो हैं ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को इनिशिएट करेंगे। सेकंड कंडीशन हमने ये देखी कि सेल्स के डिवीजन की वजह से जाइगोट के अंदर अलग अलग सेल ग्रुप बन जाते हैं जिन्हें हम बड कह सकते हैं। इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं, और ये बड जो है फेवरेबल कंडीशन में एक अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड हमने देखा कि प्रो एम्ब्रियो या जो जाइगोट है, उस जाइगोट के अंदर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ एक ही सीड बनने वाला है, क्योंकि सिंगल जाइगोट है तो एक ही सीड बनने वाला है। जितने भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो एक ही सीड के अंदर होगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो पहला जो टाइप था वो था क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप को। अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, तो वह डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग सेल। इस लाइन को डिस्क्राइब करता हूं मैं। ये एक स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। इस एम्ब्रियो सैक को हम चैप्टर नंबर 2 में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 7 सेल्स मिलेंगे इस तरह से। ये जो 3 सेल का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 3 सेल इज नोन एज एंटीपोडल सेल, एंड दिस वन इज नोन एज एग अपरेटस। मिडल वाली सेल को एग सेल कहेंगे, और जो इसके साइड के अंदर, जो लेटरल साइड के अंदर जो 2 सेल्स मिल रहे हैं, इन्हें हम सिनर्जिड सेल कहेंगे। और ये हमारे पास है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अगर एग सेल के अलावा, मतलब ये किसी भी वजह से हो सकता है, ये किसी केमिकल इंडक्शन की वजह से हो सकता है, ये टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, ये किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण हो सकता है, तो बहुत सारे रीजंस हैं इस प्रोसेस के। तो बेसिकली होगा क्या, किसी टाइप के भी इंडक्शन से या मोटिवेशन से एग सेल के अलावा जो सेल्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एंटीपोडल सेल्स मिल रहे हैं या एग ऑपरेटस के पास में सिनर्जिड सेल्स मिल रहे हैं, ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये फॉर्मेशन करते हैं एम्ब्रियो का, फॉर्मेशन करेंगे एम्ब्रियो का। तो इस टाइप से एक ही सीड के अंदर काफी सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि पॉली एम्ब्रियोनी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा।
तो जो लाइन है उसका मतलब आपको आ गया होगा समझ में कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन एग सेल, दोनों ही टाइप के कंडीशन हो सकते हैं, हो सकता है ये सेल्स फर्टिलाइज्ड हो सकता है ये सेल अनफर्टिलाइज्ड हो। बात करते हैं अपने थर्ड कोज की, तो थर्ड कोज की अगर हम बात करें तो वो डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन ओव्यूल। वापस से फ्लैशबैक में जाएंगे हम और स्ट्रक्चर याद करेंगे ओव्यूल का, ये है हमारे पास ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल कहते हैं और इस ओव्यूल के अंदर ये वाला जो मिडल पार्ट है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है यहां इसका क्वांटिटी नंबर एक है। अगर किसी प्लांट के अंदर इस ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा मोर देन वन एम्ब्रियो सैक अगर फाउंड हो रहे हैं, मान लीजिए मैं यहां इसको इस तरह से बना देता हूं, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, मान लीजिए ये एक एग्जांपल है इसका इन कैजुराइना मोंटाना। कैजुराइना एक जीरोफिटिक नेचर का प्लांट है, एक जीरोफिटिक नेचर का प्लांट है। तो कैजुराइना के अंदर ये कंडीशंस देखने को मिलेगी कि कैजुराइना का जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक आपको देखने को मिलेंगे और हर एम्ब्रियो सैक के अंदर उसका सेपरेट एग सेल होगा। हर एक इंडिविजुअल एम्ब्रियो सैक के अंदर उसका एक सेपरेट एग सेल होगा और ये जो एग सेल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद में फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो का। तो मान लीजिए चार एम्ब्रियो सैक थे तो चार ही इसके अंदर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन होंगे एग सेल के फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो थर्ड जो कोज है वो ये है कि अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक मिलते हैं किसी ओव्यूल के अंदर तो उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो भी एक से ज्यादा होंगे। और फोर्थ जो टाइप है उस फोर्थ टाइप के अंदर अपने एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं पड़ा होगा, उसी को कंक्लूड किया गया है। तो फोर्थ जो टाइप है, फोर्थ टाइप में एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को ही कंक्लूड करा गया है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अलावा एक्सेप्ट ऑफ एम्ब्रियो सेल जो न्यूसेलस है या जो इंटेग्यूमेंट्स हैं उनके सेल्स जो हैं वो फॉर्मेशन करेंगे एम्ब्रियो का। तो फोर्थ जो रीजन है पॉली एम्ब्रियोनी का वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसको हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल चार कॉजेज हैं हमारे पास पॉली एम्ब्रियोनी के, जिनको आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी कि पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो कहां तक कैपेबल है प्लांट प्रोडक्शन के अंदर। अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी की, तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि सेम एज पेरेंटल प्लांट डेवलप्ड फ्रॉम न्यूसेलस, कि ये एम्ब्रियो सैक था और एम्ब्रियो सैक के ऊपर इस तरह से हमें न्यूसेलस मिल रहा था जो कि एक डिप्लोइड सेल है, क्योंकि इस सेल के अंदर मियोसिस नहीं होता और बिना मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स पेरेंटल प्लांट के अंदर होते हैं वो सारे के सारे क्रोमोसोम एज इट इज न्यूसेलस के अंदर मिलते हैं। तो इस न्यूसेलस से अगर कोई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो ये जो एम्ब्रियो है ये एज इट इज पेरेंटल प्लांट के सेम होगा जैसा कि पेरेंटल प्लांट था। जो जो करेक्टर्स पेरेंटल प्लांट के अंदर मिल रहे हैं वही करेक्टर सेम टू सेम इस एम्ब्रियो से डेवलप होने वाले प्लांट्स के अंदर आएंगे। तो अगर कोई एम्ब्रियो न्यूसेलस से डेवलप हो रहा है तो वो एज इट इज पेरेंटल प्लांट के सेम होगा,
सारे के सारे करेक्टर्स वैसे ही होंगे जैसे कि पेरेंटल प्लांट्स के अंदर मिल रहे थे। सेकंड, डिजीज फ्री प्लांट्स, न्यूसेलस से मिलने वाले जितने भी एम्ब्रियो होंगे या इस एम्ब्रियो से बनने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे सारे के सारे डिजीज फ्री होंगे। सेकंड, हाईली विगरस होंगे, ये अच्छे अच्छे करेक्टर्स जो होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर एड होंगे। फोर्थ जो है कि अगर मान लीजिए जो हमारे पास एंटीपोडल सेल्स थे, जो हमारे पास एंटीपोडल सेल्स थे, यहां लिख देता हूं मैं इसे एंटीपोडल सेल्स। ये एंटीपोडल सेल्स आपको पता है हैप्लोइड होंगे, और मान लीजिए ये हैप्लोइड सेल्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये एम्ब्रियो भी कैसा होगा, हैप्लोइड ही होगा। लेकिन एक केमिकल आता है कोल्चिसिन, इसको एक कोल्चिकम ऑटोमनेल नाम का प्लांट है उससे निकाला जाता है, तो ये जो कोल्चिसिन है इस कोल्चिसिन से इस एम्ब्रियो को अगर हम ट्रीट करवा दें, इस कोल्चिसिन को कोल्चिसिन से अगर इस एम्ब्रियो को हम ट्रीट करवा दें तो बेसिकली होगा क्या, कोल्चिसिन क्या करता है, आपने जब मियोसिस पढ़ा था तो मियोसिस के अंदर आपने देखा था कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इन्हें हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और इस तरह से जो क्रोमोसोम है वो यहां पे अटैच होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम को सेपरेट करके मियोसिस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ये जो क्रोमोसोम है इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे, इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो कोल्चिसिन क्या करेगा, इन स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देगा, और स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकने के बाद में मान लीजिए ये एक सिंगल क्रोमोसोम था, ये यहीं डिवाइड करके इसके सेल नंबर को, इसके क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देगा। तो मान लीजिए यहां इस हैप्लोइड जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 7 था, तो कोल्चिसिन से ट्रीट करवाने के बाद में ये जो है क्रोमोसोम हो जाएंगे 14। तो होमोजाइगस, होमोजाइगस बनाने के लिए, होमोजाइगस क्रोमोसोम्स बनाने के लिए भी इस प्रोसेस को यूज किया जा सकता है, ताकि जो बेसिक अच्छे करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इस प्लांट के अंदर काफी लंबे टाइम तक प्रिजर्व होकर के रह सके। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की जो क्लासेस होंगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स को, मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।